अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, वाहिका वर्ल्ड से मैं मोहसिन आज फिर आपके सामने एक और रेसिपी के साथ। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज और एग फ्रैंकीज। मैं आज आपको एक ही प्रोसेस में टू वेराइटीज बनाकर बताऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए गेहूँ का आटा, मैदा, प्याज। प्याज को मैंने पतली और लंबी स्लाइसेस में कट कर लिया है। गाजर और शिमला मिर्च, इसको भी मैंने लंबी और पतली कट कर लिया है। हरा धनिया, मेयोनीज, टोमेटो सॉस, लाल मिर्च पाउडर, नमक और तेल। आप भी फटाफट इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में गेहूं का आटा और मैदा लेकर उसमें नमक डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को अच्छे से गूंथ लें। अब थोड़ा तेल भी ऐड करके 5 मिनट तक अच्छे से गूंथें। रोटी का डो अच्छे से सॉफ्ट हो जाना चाहिए। अब उस पर लिड ढककर थोड़ी देर रख दीजिए। अब हम दूसरे स्टेप में चलते हैं। स्टोव पर फ्राइंग पैन रखकर तेल डालकर गरम कर लें। गरम होने के बाद उसमें प्याज डालकर सॉटे कर लें। प्याज को ज्यादा नहीं तलना है, थोड़ा तल लेंगे। अब हम उसमें गाजर और शिमला मिर्च भी डाल लेंगे। याद रखिए दोस्तों, इसको ज्यादा फ्राई नहीं करना है। थोड़ा ये फ्राई होने के बाद हम उसमें नमक ऐड कर लेंगे। और अब हम उसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर उसमें हम डालेंगे टोमेटो सॉस और मेयोनीज भी डाल लेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा हरा धनिया डालकर थोड़ा सॉटे करके हम स्टोव बंद कर देंगे। देखिए हमारा आटा कितना सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम छोटे लोरियां बना लेंगे। अब इन लोरियों से रोटियां बनाकर तवे पर सेक लेंगे। रोटी बना ली है। अब इसको मैं दोनों तरफ से तेल डालकर पलटते हुए अच्छे से सेक लेती हूँ। हमारी रोटी बन गई है। चलिए अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ।
हम इस रोटी पर पहले मेयोनीज इस तरह से लगाकर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। फिर उस पर टोमेटो सॉस भी डालकर ये भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब उसमें हम पका हुआ वेजीज का मिक्सचर डालकर रोटी को रोल कर लेंगे। इस तरह से रोल कर लेंगे हम रोटी को, और होटल का लुक देने के लिए इस तरह से टिश्यू के साथ हम कवर कर लेंगे। ये देखिए हमारा वेज फ्रैंकी रेडी है। अब बनाते हैं एग फ्रैंकी। इसके लिए भी रोटी को तेल लगाकर दोनों तरफ पलटते हुए अच्छे से सेक लीजिए। रोटी हमारी पकने तक एक अंडा बाउल में लेकर उसमें नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए रोटी पक चुकी है। उसी फ्राइंग पैन में थोड़ा तेल डालकर गर्म होने के बाद अंडे का मिक्स डालें। और उसे थोड़ा फैला लीजिए। उस पर हमारी रोटी डालकर थोड़ा पकने के बाद पलट लीजिए। अभी अंडे के साथ अच्छे से पक चुकी है, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके अंडे वाले साइड पर मेयोनीज और टोमेटो सॉस लगाकर स्प्रेड कर लें। और उस पर वेजीज का मिक्सचर डालकर रोल कर लेते हैं। और इसको भी हम टिश्यू के साथ कवर कर लेंगे। ये देखिए हमारा एग वेजी फ्रैंकी भी तयार है। कितना यम्मी लग रहा है ना? आप भी इन दोनों वेराइटीज को बनाकर ट्राई करें। इसे टोमेटो सॉस के साथ सर्व करें। उम्मीद है आपको भी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह एक और रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।